हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम अंकुर शर्मा है और जैसा कि आपको पता है कि 50 प्लस डीआई की एक सीरीज चला रखी है हमने, जिसमें 50 से ज़्यादा डीआई कराने हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के। तो जो भी हमारे मॉडरेट लेवल के, हाई लेवल के या फिर ईजी लेवल के डीआई है, वो सारे ही कवर कराएंगे, ठीक। तो लेकिन टाइप अलग अलग रहेगा, कुछ अच्छे लेवल के रहेंगे, ठीक। तो सेट नंबर 4 है आपका। सबसे पहले तो मैं बताऊँगा आपको कि अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएँ। व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर ये है, आप यहाँ पे IBPS लिख के मैसेज कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप डेली टेलीग्राम पे PDF पाना चाहते हैं डिफरेंट वेरियस एग्ज़ाम्स की, तो यहाँ पे ये पूरा प्रोसीजर दे रखा है, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। आज का जो DI है वो है कैसलेट वाला DI, कैसलेट वाला DI है, सॉल्व करेंगे। देखिए कैसलेट वाला DI होता है वो अपने आप में एक ईजी वाला DI होता है, ठीक। लेकिन कई बार वो एक टाइम कंज्यूमिंग वाला प्रोसेस बन जाता है, लेकिन आपको ऐसे समझना है कि किस तरीके से टाइम आपका कम लगने वाला है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपके सामने ये DI है, वीडियो को एक बार आप पॉज कर लेंगे, आपके सामने पूरा DI यहाँ लिखा हुआ है हिंदी इंग्लिश दोनों में। मैं एक बार हिंदी में भी दिखा देता हूँ कुछ बच्चों के लिए। तो ये आपका इंग्लिश में हो गया, आप स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो को पॉज कर लो, खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक। दूसरा मैं एक बार हिंदी में भी दिखा दूँ आपको, हिंदी में आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके पहले खुद सॉल्व कर लो। तो आधा पोर्शन ये रहा, या मैं इसको थोड़ा छोटा करूँ तो आपको पूरा विजिबल हो जाएगा, ठीक। चलिए तो हिंदी में आई होप कि आपको यहाँ आधा इतना ले लो और एक लाइन ये बची है नीचे। चलिए तो इतनी बात तो हो गई, आपने स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा। अब मैं आपको सॉल्व करा देता हूँ, आपने वीडियो पॉज करके वीडियो को ट्राई भी कर लिया होगा, नहीं किया तो एक बार फिर से कर ले। अब क्या है इसमें, सबसे पहली बात तो ये है कि जो इस टाइप का ये पजल टाइप होती है, कैसलेट टाइप होती है, तो इसमें कुछ भी नहीं करना होता है, आपको टाइप ऑफ डेटा समझना होता है। टाइप ऑफ डेटा समझते हुए बस टेबल बनाते चले जाना है, मतलब या तो वेन डायग्राम से सॉल्व होगा क्वेश्चन या फिर टेबल बना के सॉल्व होगा, ठीक। तो यहाँ देखते हैं, इन अ मेडिकल कॉलेज देयर आर 1600 स्टूडेंट्स स्टडिंग डेंटिस्ट्री एंड होम्योपैथी। तो 1600 लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, दो तरह की चीज़ें पढ़ रहे हैं, डेंटिस्ट्री पढ़ रहे हैं, होम्योपैथी पढ़ रहे हैं। ईच स्टूडेंट फ्रॉम ईच कोर्स नो वन और मोर लैंग्वेज। देखिए लैंग्वेज जानने वाला होगा कभी भी, तो एक से ज़्यादा लैंग्वेज भी जानेगा और एक भी जानेगा, मतलब हर 1600 स्टूडेंट कुछ ना कुछ जानते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं कि कोई नहीं जानता है, मतलब सारे आपके डेटा फिल रहेंगे, कुछ भी अनफिल नहीं रहेगा, 1600 का 1600 डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, ठीक। उसके बाद क्या दिया गया है, यहाँ दिया गया है कि 45% ऑफ द स्टूडेंट स्टडी इन डेंटिस्ट्री एंड रिमेनिंग स्टूडेंट्स स्टडी होम्योपैथी। मतलब क्या है कि 45% जो स्टूडेंट हैं आपके वो डेंटिस्ट्री पढ़ते हैं। तो आप टेबल पहले दो बना लो, एक बन गई आपकी डेंटिस्ट्री वाली, एक बन गई होम्योपैथी वाली। अगर मैं टोटल 1600 स्टूडेंट हैं तो उसमें अगर डिवाइड करूँ तो उसने बोल दिया कि 1600 का 45% तो पढ़ते हैं डेंटिस्ट्री, और 1600 का ये बचा हुआ कह लो 55% बोल दो या बचा हुआ कह लो, रिमेनिंग होम्योपैथी पढ़ते हैं। तो 1600 का 45, 1650 आ गया। 720 लोग डेंटिस्ट्री पढ़ते हैं और बचे हुए लोग यानी कि 720 गया आपका, कितना बचा, 880 बचा। तो इतनी बात आपकी सेट हो गई, समझ में आ गया कि इतने बच्चे डेंटिस्ट्री पढ़ते हैं, इतने बच्चे होम्योपैथी पढ़ते हैं, ठीक। मैं एक बार यहाँ पे बीच में लाइन खींच दूँ जिससे डेटा को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद क्या दिया गया है, समझते चले जाएंगे, लिखते चले जाएंगे, बहुत इजी वाला DI है। आउट ऑफ द स्टूडेंट्स स्टडिंग डेंटिस्ट्री बॉयज़ एंड गर्ल्स आर इन द रेशियो ऑफ 5:3। डेंटिस्ट्री के अंदर आ गया मैं, तो यहाँ पे बॉयज़ लिख दिया, यहाँ पे गर्ल्स लिख दिया। बॉयज़ 5 है तो गर्ल्स 3 का रेशियो है, मतलब 5:3 में यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होने वाले। 720 को आपको 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट करना है बॉयज़ और गर्ल्स की, जब मैं यहाँ पर बात करूँगा, ठीक। चलिए मैंने ये भी लाइन खींच दी, अब बॉयज़ एंड गर्ल्स में यहाँ लाइन खींच चुकी है। तो बॉयज़ कितने होंगे, गर्ल्स कितने होंगे, ये कैसे पता लगाओगे कि भैया 5:3 का मतलब होता है कि 720 का बॉयज़ कितने होंगे, 5/8, 5 और 3 मिला के 8 हो जाएंगे, तो 5/8 720, 8 × 72 = 45, यानी कि 450 तो हो गए बॉयज़ जो डेंटिस्ट्री पढ़ते हैं। ऐसे ही आप गर्ल्स निकाल लो, तो 3/8 कर लो इंटू 720, तो कितना आ गया यहाँ पे, या फिर माइनस कर लो 720 में 450, तो आ गया 270। तो इतनी भी बात क्लियर हो गई कि आपका भैया डेंटिस्ट्री में बॉयज़ इतने हैं, मैं यहाँ पे सर्कल कर दूँ कि बॉयज़ इतने हैं, गर्ल्स इतनी है, इतनी बात क्लियर हो गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और क्या बोल रहा है वो, आगे बोल रहा है कि आउट ऑफ द बॉयज़ स्टडिंग डेंटिस्ट्री, मतलब जो बॉयज़ पढ़ रहे हैं उनकी बात है, बॉयज़ में से 16% नो इंग्लिश,
सॉरी, सबसे पहले हमने एक कॉलम बनाया इंग्लिश का, तो 16% लोग इंग्लिश पढ़ते हैं, किसमें से, तो 450 का 16% लोग इंग्लिश पढ़ते हैं, इसको निकाल लेंगे डेटा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, निकाल लेंगे आराम से, उसके बाद पढ़ेंगे। 10% नोज हिंदी, तो अगर मैं हिंदी का कॉलम बनाऊँ तो इसका 10% यानी 450 का 10%, इसे भी निकाल लेंगे साइड में, है ना, निकाल के डेटा लिखते चले जाएंगे। आगे क्या दिया है कि 4% नो बांग्ला, सॉरी बांग्ला लैंग्वेज जो है वो 4% लोग पढ़ते हैं, 4% लोग पढ़ते हैं, इतना समझ में आ गया। 24% नो इंग्लिश एज वेल एज हिंदी, तो ई प्लस एच कितने लोग हैं यहाँ पे, 24%, तो किसका, 450 का, जब शुरू में उसने एक बार बोल दिया तो पूरा इसका ही होता चला जाएगा, 450 का 24% क्या है, इंग्लिश और हिंदी दोनों पढ़ते हैं। 20% नोज इंग्लिश एज वेल एज बांग्ला, अब यहाँ 20% क्या है, इंग्लिश और बांग्ला के, तो ई प्लस बांग्ला लिख दिया मैंने, ठीक है, 20% किसका, 450 का, 90 आ जाएगा, वैसे भी समझ में आ रहा है, ठीक है, मतलब हम लिखते चले जा रहे हैं डेटा, डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, मैं आपको समझाने के लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इंग्लिश एज वेल एज बांग्ला। 20% नोज इंग्लिश एज वेल एज हिंदी, तो ई प्लस एच कितना है, 20% लोग। आगे देखते हैं, यहाँ तक आ गया, सो यहाँ तक 20% नोज इंग्लिश एज वेल एज हिंदी, 24%, ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा है कि भैया 20% नोज इंग्लिश एज वेल एज बांग्ला, 14% नोज हिंदी एज वेल एज बांग्ला, सॉरी हिंदी एज वेल एज बांग्ला आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हिंदी तो लिखा हुआ है, बी लिख दो, तो कितना है वो 14% है, 20 नहीं है, 14%, ठीक है, 14% नो हिंदी एज वेल एज बांग्ला। तो यहाँ तक आपकी बात खत्म हो चुकी है, यहाँ पे फिर गर्ल्स वाली बात शुरू हो जाएगी, ठीक है, अब उसके बाद क्या लिखा हुआ है, हिंदी एज वेल एज बांग्ला, रिमेनिंग बॉयज नो ऑल थ्री लैंग्वेज, अगर मैं ऑल थ्री की बात करूँ, कौन कौन से, इंग्लिश हिंदी और बांग्ला, अगर तीनों की लैंग्वेज की बात करूँ तो यहाँ क्या आएगा, टोटल में से माइनस कर दोगे, यानी कि 450 माइनस जो भी ये पूरा निकल के आएगा इज इक्वल टू टोटल तीन वाले आ गए, अब इनको निकालना शुरू कर दो आप, ठीक है, तो यहाँ के 16 5 80 08, 16 4 64, यानी कि मैं लिखते चले जाता हूँ, चलिए ये सब कुछ समझ में आ चुका है आपको, यहाँ पे 72 आएगा इंग्लिश वाले, हिंदी वाले ये 45 10% आ गया, ठीक, 45 का यहाँ पे क्या करोगे आप, 45 का 4% लोगे तो यानी कि 18, 24% लोगे 108, 450 का 20% लोगे तो 90 आ गया, 14% लोगे तो 63 आ गया, अब इन सबको ऐड करके कितना आएगा, इन सबको ऐड करके आ गया आपका 396, तो 450 में 396 के तो आपका 54 आ गया, तो आपको ये जल्दी जल्दी करना है, तो बॉयज वाला डेटा समझ में आ गया, यस और नो कमेंट सेक्शन में एक बार यस लिख देंगे कि आपके सारे लैंग्वेजेस समझ में आ गई, अब आपके सामने कुछ भी नहीं है, यही डेटा आगे फिल करना है और तीन बार, यानी कि डेंटिस्ट्री वाली गर्ल्स, ठीक है, और होम्योपैथी वाले बॉयज एंड होम्योपैथी वाली गर्ल्स, तो इस तरीके से डेटा ये पूरा फिल हो जाएगा, मैं आगे टेबल को पूरा कर दूंगा और आपको क्वेश्चन सारे समझ में आ जाएंगे, ठीक है, मतलब क्या है कि इसमें कुछ भी फिलिंग वाला डीआई नहीं है, जो भी डेटा है वो एग्जैक्टली डिक्टो दे रखा है, कैसे आगे पढ़ ले, आउट ऑफ द गर्ल्स स्टडिंग डेंटिस्ट्री, देखिए आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, आउट ऑफ द गर्ल्स स्टडिंग डेंटिस्ट्री 20% नोज इंग्लिश, क्या है 20% नोज इंग्लिश, 20% नोज इंग्लिश, ठीक है, एक बार पेन का कलर चेंज कर लें, चलिए 20% नोज इंग्लिश, तो यहाँ पे क्या करेंगे भैया, ये जो देख रखा है आपका 270 का, तो इसका 20% कर दोगे आप, समझ में आ गया, तो वो इंग्लिश जानती है, 27 2 54 यानी कि 54 आ गया, ऐसे ही करते करते आप सारा निकाल दो, मैं सिर्फ परसेंटेज जल्दी जल्दी लिख देता हूँ यहाँ पे, नोज 10% हिंदी और 10% बांग्ला, यानी कि 10% हिंदी 10% बांग्ला, और क्या दे रखा है 20% नोज इंग्लिश एज वेल एज हिंदी, तो यहाँ पे कॉलम को ध्यान देखना है, इंग्लिश एज वेल एज हिंदी कितना 20%, 20% नोज इंग्लिश एज वेल एज बांग्ला, इंग्लिश एज वेल एज बांग्ला 20%, और नीचे आ गया 10% दिया है, इंग्लिश एज वेल एंड हिंदी एज वेल एज बांग्ला दे रखा है 10%, समझ में आ गया, और रिमेनिंग गर्ल्स नोज ऑल लैंग्वेज, तो वही वाली बात है कि नीचे भी रिमेनिंग गर्ल्स आ जाएगा, तो यहाँ पे निकालना कितना 270 का 10% कितना 27, ये भी 27, 27 2 54, ये 54, ये 54, ये 27, ठीक, तो टोटल कितना 270, और माइनस इन सबको अगर हमने ऐड किया तो आ गया 243 इज इक्वल टू 27, बात समझ में आ चुकी होगी, बिल्कुल यहाँ तक हमने कर दिया है, यहाँ तक हमने कर दिया है, कहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक हमने कर दिया है। आउट ऑफ द स्टूडेंट्स स्टडिंग होम्योपैथिक बॉयज एंड गर्ल्स आर इन द रेशियो ऑफ 4:7, मतलब अगली बात देनी शुरू कर दी उसने, तो मैं एक बार
4:7 में डिवाइड कर दें किसको, 880 को, किसको 880 को, 4:7, यानी कि ये बॉयज बना दिया मैंने कॉलम, ये गर्ल्स बना दिया, यहाँ पे मैंने लाइन भी खींच दी, तो इसको बोल दिया 4, यहाँ पे बोल दिया 7, तो 4:7 में डिवाइड किया तो यहाँ पे बॉयज कितने आ जाएंगे, आप निकाल दो यहाँ पे 880 का 4/11, 4/11 11 क्यों किया, ठीक है, 11 8 32 यानी कि 320, और गर्ल्स कितनी आ गई, 880 में से 320 माइनस करा 560, तो गर्ल्स 560 है और यहाँ पे कितना है 320 है, मैंने सर्कल कर दिया, ठीक, यहाँ लिख दो 320 और यहाँ पे 560, ठीक। उसके बाद डेटा दे रखा है, पढ़ते जाओ काम करते जाओ, क्या दे रखा है यहाँ पे डेटा, कि भैया आउट ऑफ द बॉयज स्टडिंग होम्योपैथी 20% नोज इंग्लिश, तो 320 का 20%, तो 32 × 64 यानी कि 64 लोग यहाँ पे बॉयज जो हैं वो इंग्लिश को पढ़ते हैं, ठीक, 15% हिंदी और 5% बांग्ला, 15% हिंदी 5% बांग्ला, मतलब ये तो स्पीड से लिखते चले जाओगे, बस देखना है डेटा, 15% नोज हिंदी एज वेल एज इंग्लिश और 25% बांग्ला, तो 20% और 25% इतना समझ में आ गया, और 10% नोज हिंदी बांग्ला, तो 10% नोज हिंदी बांग्ला, ये बात समझ में आ गई, कर लेंगे पूरा। रिमेनिंग बॉयज, ये रिमेनिंग वाली कहानी भी दे रखी है, आउट ऑफ द टोटल गर्ल्स स्टडिंग होम्योपैथी 15% नोज ओनली इंग्लिश, तो 560 का 15% ओनली इंग्लिश, उसके बाद 15% हिंदी 5% बांग्ला, 15% हिंदी 5% बांग्ला, उसके बाद 20% नोज इंग्लिश एज वेल एज बांग्ला, तो इंग्लिश और बांग्ला में 20% है, 5% ओनली बांग्ला, 20% नोज इंग्लिश एज वेल एज हिंदी, तो 20% इंग्लिश एज वेल एज हिंदी वाले आ गए, इनका सीरियल ध्यान में रखेंगे आप, 20% इंग्लिश एज वेल एज बांग्ला, तो यहाँ पे 20% इंग्लिश एज वेल एज बांग्ला, और 15% हिंदी बांग्ला, 15% हिंदी बांग्ला, ठीक। तो यहाँ पे इनकी वैल्यू निकाल लो, तो 320 का 15% यहाँ पे आ गया 48, 320 का 5% इसका आधा कर देंगे, यहाँ पे 1/3 कर देंगे 15% का 16, ठीक, यहाँ पे आ गया 32 × 64 80, ठीक है, सॉरी 25% आ जाएगा 80, 10% आ जाएगा 32, ठीक। चलिए यहाँ पे कितना है 20, 15 और 5, यहाँ पे 15% आएगा, एक बार देख लो आप कि भैया इंग्लिश और हिंदी कितने जानते हैं, इंग्लिश और हिंदी यहाँ पे 15% लिखा हुआ है, इंग्लिश एज वेल एज हिंदी 15%, ठीक है। चलिए ये सारा हो गया, इसको टोटल को निकाल लो आप, टोटल कैसे निकलेगा भैया, 320 - 288 कहाँ से आया, इन सबको ऐड करने के बाद यहाँ पे कितना आ गया, 32 आ गया, तो डेटा को लिखते चले जाएंगे, यहाँ पे 15% की वैल्यू 84, फिर से 84 और इसका तिहाई कर दो यानी कि 28, 20% 112 हो गया, 20% 112 हो गया, 5% 84 हो गया, सॉरी 15% 84 हो गया, तो 560 का 504 माइनस किया तो नहीं 56, मतलब कहने का ये है कि आपके सामने पूरी तरीके से डेटा आ चुका है, आपको सिर्फ इतना करना है कि आपका अब कुछ भी नहीं करना है, आपको सीधा क्वेश्चन को सॉल्व करते चले जाना है, क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी देखेंगे और सीधा आंसर भी निकालेंगे। आई होप कि आपको ये डीआई समझ में आ चुका होगा, समझिए इस बात को कि आपके सामने ये सारा डेटा है पूरी तरीके से, अब इंग्लिश कितने लोग जानते हैं, कितनी बॉयज जानते हैं, कितनी गर्ल्स जानते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखी है, इतनी बात क्लियर है। अब जल्दी से एक काम करते हैं, एक एक क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ चलते हैं और फिर आगे देखते हैं, तो क्वेश्चन क्या है आपका, डेटा ऊपर ही बना रहेगा, क्वेश्चन बहुत ईजी है, समझ पाओगे आप। हाउ मेनी स्टूडेंट स्टडिंग डेंटिस्ट्री नोज ओनली लगा दिया इधर इंग्लिश और हिंदी, कितने स्टूडेंट, देखिए स्टूडेंट बोल रहा है तो बॉयज और गर्ल्स को ऐड करना पड़ेगा आपको, किस में, डेंटिस्ट्री के केस में, समझ में आ गई बात, तो ओनली इंग्लिश और हिंदी तब देखना है आपको, सॉरी ओनली इंग्लिश देखना है, तो ओनली इंग्लिश यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पे 72 भी लोग है, 54 भी लोग है, और ओनली इंग्लिश और ओनली हिंदी 45 भी लोग है, 27 भी लोग है, समझ में आया, तो 72 + 45 + 54 + 27 तो कितना आ गया 198, समझ में आ चुका होगा ये क्वेश्चन, ओनली इधर इंग्लिश हिंदी, मतलब इंग्लिश हिंदी दोनों को यहाँ पे इधर किया गया, तो 198 सबको ऐड कर दोगे बॉयज एंड गर्ल्स डेंटिस्ट्री के केस में। अगला है टोटल हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन, आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को कर सकते हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट इन कॉलेज नोज ऑल द 3 लैंग्वेज, मतलब सारे स्टूडेंट बताने तीन की तीन लैंग्वेज जानते हैं, वो कैसे निकलेगा भैया, यहाँ पे तीन लैंग्वेज 54 जानते हैं, 27 जानते हैं, 32 जानते हैं, 56 जानते हैं, सबको ऐड कर दो 169 आ गया, कैसे, 4 × 7 = 11 11 2 × 13 13 × 6 = 19 का 9 1 कैरी 5 और 1 6 6 3 9 9 × 2 = 11 5 = 16 समझ में आ गया। अगला सवाल करते हैं, अगला सवाल है कि व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन कॉलेज नो बांग्ला,
मतलब आपको टोटल गर्ल्स कैलकुलेट करनी है पहले पूरे कॉलेज की, और फिर नो बांग्ला, तो बांग्ला वाली सिर्फ आपको गर्ल्स कैलकुलेट करनी है, और वो भी परसेंटेज बताना है कि टोटल गर्ल्स से क्या परसेंटेज है। मतलब नीचे आएंगी टोटल गर्ल्स कितनी, कि एक में 270 गर्ल्स हैं, एक में 560 गर्ल्स है ना, और यहाँ पे टोटल है आपका, एडिशन करके लिख दोगे और यहाँ पे परसेंटेज निकाल दोगे भैया कितना परसेंट यहाँ पे आने वाला है। ठीक, तो उसको करने के लिए बांग्ला वाली आपको गर्ल्स देखनी है कि टोटल बांग्ला। अब बांग्ला कौन कौन बोलता है ये बात आपको समझनी होगी। बांग्ला तो यहाँ पे ओनली बांग्ला 27 भी है, और इंग्लिश के साथ बांग्ला 54 है। ठीक है, तो 27 54, और यहाँ भी 27 है और यहाँ भी 27 है, तो यानी ये सबको निकाल लो, 27 54 27 27 27 54 27 27। इतनी बात समझ में आ चुकी है। अब ऐसे ही दूसरे होम्योपैथी वाले देख लो बांग्ला कितने हैं, जैसे बांग्ला यहाँ पे कितना है, ये वाला 28 112, फिर उसके बाद 84 और फिर 56। ठीक, 28 112 84 56, इन सबको ऐड करो, कितना आ गया 280, इन सबको ऐड किया 135, मतलब टोटल मिला के आ गया 5 8 3 11 और 415 आ गया। मतलब टोटल गर्ल्स जो हैं जो बांग्ला बोलती हैं वो 415 हैं, तो यानी 415 बटे इतना, तो 415 बटे कितना, तो ये नीचे आ गया 830 × 100, यानी कि पूरा दुगना है, यानी कि 50% आपका आंसर आ चुका है। तो 50% जितने लोगों का है वो यहाँ पे सही है। तो आपको क्या क्वेश्चन सारे समझ में आ रहे हैं, एक बार वो DI ऊपर का समझ में आ गया तो समझो आपके क्वेश्चन पूरे समझ में आ जाएंगे। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, एक दो क्वेश्चन और कराता हूँ, बाकी आप यहाँ पे चलिए मुझे आप कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर दीजिए, तब मुझे लगेगा कि ये वाला DI भैया आपका हो गया परफेक्ट। सो हाउ मेनी स्टूडेंट स्टडिंग होम्योपैथी डोंट नो इंग्लिश, कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो होम्योपैथी में पढ़ते हैं, स्टूडेंट की बात है बॉयज़ और गर्ल्स मिला के। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे कि कितने ऐसे स्टूडेंट हैं बॉयज़ गर्ल्स मिला के जो होम्योपैथी के हैं और इंग्लिश को नहीं जानते हैं। तो इंग्लिश वाले को हटा के बाकी सबको ऐड करके सिर्फ लिखना ही तो है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। अगला 5वां क्वेश्चन समझा देता हूँ मैं आपको। आउट ऑफ द स्टूडेंट स्टडिंग होम्योपैथी व्हाट इज़ द रेशियो, सिर्फ होम्योपैथी की बात की गई है यहाँ पे, व्हाट इज़ द रेशियो बिटवीन, रेशियो बताना है किस किस के बीच में, द बॉयज़ नो इंग्लिश, जो बॉयज़ हैं जो इंग्लिश जानते हैं होम्योपैथी के उसका रेशियो बताना है, नंबर ऑफ गर्ल्स नो हिंदी, जो गर्ल्स हैं वो हिंदी जानती है होम्योपैथी की, समझ में आया, इन दोनों का रेशियो बताना है आपको, सिर्फ कुछ नहीं करना, वहाँ से ऐड कर देना और यहाँ पे रेशियो निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन जल्दी से बताओ मुझे क्या आंसर आएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 7 भी आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके और मुझे जल्दी से इसका आंसर अगर आप बता दो, क्योंकि मुझे DI को समझाना था, आपको समझ में आ चुका होगा। अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि सारी चीज़ अगर आप कंटिन्यू चाहते हैं, मैं और भी बहुत सारी चीज़ें शुरू करना चाह रहा हूँ, लेकिन अभी डर लगता है कि मैं क्या मैं कंटिन्यू कर पाऊँगा कि नहीं, तो चीज़ों को सबको कंटिन्यू मैं करूँगा, बट आपसे रिक्वेस्ट है कि आप शेयर करें और कमेंट सेक्शन में डिमांड करें कि आपको किस तरह की वीडियो पसंद है और आप कितने स्टूडेंट हैं जो यहाँ पे हमारे साथ हैं हमेशा। ठीक है, तो एक बार कमेंट सेक्शन में लिखें दैट यू आर विद अस और यू आर शेयरिंग आवर वीडियो, मतलब आप लोग प्लीज़ इस चीज़ पर फोकस करें, क्योंकि आप अगर सपोर्ट करेंगे तो समझ लीजिए कि आगे आप लोगों का ही फायदा होने वाला है, हम लोगों का ही फायदा होने वाला है, हम लोग बहुत अच्छे से यहाँ पर मेहनत करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को एक बार पढ़ लो और आंसर निकालना शुरू कर दो। ठीक है, चलिए तो अभी इस वीडियो को यहाँ पे यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस करना छोटी बात है, DI को सॉल्व करना यहाँ पे थोड़ी सी बड़ी बात थी, ये भी एक ईजी लेवल का DI था, आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ, समझ में आया, तो थैंक यू, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बने रहिए अच्छे से, कल फिर से एक DI लाएंगे तो DI का पार्ट नंबर 7 भी आएगा और हाई लेवल की तरफ भी मूव करेंगे, बट आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप शेयर करिए, क्योंकि मेहनत करने में तभी मज़ा आता है जब ज़्यादा व्यूज़ और ज़्यादा प्यार मिले आप लोगों से। थैंक यू, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।